और मैं आया हूँ भाई अहमद के घर। ये मेरे पीछे अहमद है, किधर गया, वो भाग गया। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ फोर्थ डे ऑफ ईद एंड टू डेज बिफोर यूनिवर्सिटी। और ये कहानी है नौशेरवान की। ईरान के एक बादशाह था नौशेरवान, बड़ा आदिल बादशाह था। जब उसके लिए हिरन भुना जा रहा था, तो हिरन भुना जा रहा था तो नमक नहीं मिल सका कहीं से, तो एक गांव से मंगवाया गया नमक। तो बादशाह ने जब खाना लगा तो बादशाह ने पूछा नमक की कीमत अदा की है? तो उन्होंने कहा जी नहीं, की नमक की कीमत तो नहीं अदा की। उन्होंने कहा, बादशाह ने कहा मैं फिर खाऊंगा, पहले नमक की कीमत अदा करके आओ। नमक की कीमत अदा की गई तो उन्होंने पूछा वज़ीरों ने मशीरों ने, भाई बादशाह सलामत, भाई नमक की क्या है उसकी कीमत थी जो आपने इतना आप उसके लिए परेशान हो गए, उसकी क्या हैसियत क्या थी? आप किसी को भी कह देते या ना भी देते आपके तो क्या हो जाना था? तो बादशाह ने कहा, बादशाह का जवाब बड़ा खूबसूरत था। नौशेरवान जो था उसने जवाब दिया कि जब दुनिया में जुल्म शुरू हुआ था ना, तो उसकी बुनियाद बड़ी छोटी सी थी, बहुत छोटी थी, यही नमक से भी छोटी सी उसकी बुनियाद, लेकिन जो बढ़ता बढ़ता आज इस मौजूदा हजम पे पहुंच गया। तो ये था जुल्म, जो जिसने पहले जुल्म शुरू किया था वो जालिम था, वो सही राह पे नहीं था। इसलिए अगर बादशाह अगर किसी को एक मुर्गी खाने की इजाज़त दे दे गैर कानूनी तौर पर, तो वो उसके जो रियाया के लोग होंगे वो पूरे के पूरे परिंदों को सीखों पे चढ़ा देंगे। और अगर बादशाह एक सेब लेने की इजाज़त देता है गैर कानूनी तरीके से, तो उसके जो रियाया के लोग होंगे, उसके जो फौजी होंगे, वो बागों को उजाड़ते चले जाएंगे और पूरे मुल्क को खा जाएंगे। ये हाल होता है जब ऊपर वाले इलीट क्लास लोग, जब ऊपर वाले लोग आपके ईमानदार हों तो नीचे वाला तबका भी ईमानदार होता है। वैसे देखा जाए तो कौम की हालत जो होती है उसी के लिहाज से उसका हुक्मरान होता है। जैसी कौम होती है वैसे ही अल्लाह उसके ऊपर हुक्मरान नाजिल कर देता है।